अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर मुजाहिद मिर्ज़ा और पढ़ रहा हूं अपनी खुद नविश्त परेशान सा परेशान का अगला हिस्सा आपके लिए। मैं इस ख़त को पढ़कर बड़ा भिन्न आया था, लेकिन फ़ौरन ही जवाब लिखने बैठ गया था। 3-4 रोज़ बाद जवाब मौसूल हो गया था। अब मशगूलियत का एक नया सिलसिला हाथ आ गया था। काले से वापस आकर बिस्तर पर लेटे हुए कान हाफिज़ साहब के पाँव के चाप के मुंतज़िर होते थे और आँखें दरवाजे के दर से चिपकी होती थी। यहाँ पे श की आवाज़ के साथ ही छलांग मार उठता था और ख़त पढ़कर जवाब लिखने बैठ जाया करता था। जिस रोज़ बगैर शी की आवाज़ आए हाफिज साहब के पाँव के छाप दूर हो जाया करती थी, उस रोज़ यासिस छा जाती थी। ख़तों का सिलसिला खासी देर चला था। बाज़ औक़ात तो हर रोज़ ही ख़त मौसूल हो जाया करता था। मैं तो खतूत में अपने दिल खोल कर रख देता था। तहरीर में खासी अदबी होती थी, लेकिन इस ख़त के उसके ख़त महज इस्तफ़सारात पर ही मबनी होते थे और कभी कभार ही उनसे लगाव टपकता था। बस फिर एक रोज़ मुझे सारा मसला ही झंझट लगा था और मैंने उसके ही एक ख़त पर शट अप यू फकन बिच लिखकर वापस भेज दिया था। और यूँ हंसने सर के तस्वीर से शुरू होने वाली ये पेंटिंग मैंने खुद ही मस्क कर दी थी। ड्रामा तजस्सुस तनवु अजाब, मैं पीता रहा फिर भी फीकी शराब, तमन्ना तहयुर फरारो गुरेज, किताब ऐसी जिसका नहीं इंतसाब, कशाकश तजाद और लागो लगाओ, जो होना था धीरे हुआ वो शताब। हुकूमत ने बाएं बाजू की सियासत का जो मज़ा चखाया था उसके बदन पर बैरूनी असरात तो वक्त के साथ मुंदमिल हो गए थे। मैं और ज़्यादा खिलाफ रियासत हो गया था, लेकिन रियासत अफराद और इदारों के इस्तेमाल का कोई मौका हाथ से नहीं छोड़ती। छोटे भाई मिर्ज़ा अवैस के स्कूल में दो हम जमात थे जो अलीपुर के थाने के एक हेड कांस्टेबल के बेटे थे, जिनमें एक का नाम बशीर था। जब मैं दूसरे साल के आखिर में था तो ये लड़का मुझे निश्ता अस्पताल के अहाते में मिला था। अब वो खासा लंबा और मोटा हो गया था। उसने अपना तारुफ कराया था और मैं फ़ौरन पहचान गया था। उसने मेरे पास आना जाना शुरू कर दिया था। बाजार उसने यही बताया था कि वो बीए कर रहा है और फिर मुल्तान कॉलेज में दाखिला लेगा, और फिर बाद में कहा था कि अब वो कानून की तालीम हासिल कर रहा है। वो भाई जान कहा करता था और मैं भी उसे छोटे भाई के हम जमात होने के हवाले से बड़े भाई के तौर पर पेश आता था। कुछ लोगों ने मुझे कहा था कि ये जो मोटा तुम्हारे पास आता है ये पुलिस का आदमी है और खुफिया में काम करता है। मैंने इस बात को यूँ ही लिया था कि करता है तो करता रहे, मुझे इससे क्या गर्ज। मेरा तीसरा साल ख़त्म हो गया था और मैं MBBS के चौथे साल में आ गया था। रोशन सिन्हाल मुंतकिल हो गया था और मैं हॉस्टल के गेट से दाखिल होते ही बाएं जानेब के तीसरे कमरे में अकेला रह रहा था। एक रोज़ बशीर मोटा आया और कहने लगा, भाईजान मेरे साथ थोड़ी देर के लिए बाहर तो चले। मैंने पूछा, खैरियत? बोले, जी खैरियत ही आए। मैं उसके हमरा चला गया था। दरवाजे से निकलकर दाएं तरफ मस्जिद के साथ चलते हुए हम आम सड़क पर आए थे। एक तरफ निस्बतन अंधेरे में एक लहीम शहीम शख्स लम्बरेटर स्कूटर पर बैठा हुआ था। बशीर ने मुझे कहा था बैठें, मैं बैठ गया था। मेरे पीछे फंसकर बशीर सवार हो गया था और इस शख्स ने स्कूटर चला दिया था। लम्बरेटर स्कूटर अमूमन खुफिया पुलिस वालों के पास ही हुआ करते थे, आम लोग बिलावम वेस्पा इस्तेमाल करते थे। मैंने पूछा, भाई कहाँ जा रहे हैं? उसने मुख्तसर से जवाब दिया था, बस भाई जान अभी वापस आ जाएंगे। स्कूटर चलता रहा और हम अबदारी रोड पर एक इमारत के बाहर रुके जहाँ एक दो गाड़ियाँ और मोटरसाइकिल खड़े थे। अंदर दाखिल हुए तो बशीर ने एक दरवाजे की जानब जिस पर चेक पड़ी थी इशारा करके कहा, भाई जान आप उधर चले जाएँ। मैं उनकी हरकतों से मशकूक तो हो ही गया था। बहरहाल चक उठाकर अंदर दाखिल हो गया। ये गालिबन किसी बड़े अफसर का दफ्तर था, क्योंकि दफ्तर की कुर्सी पर जो शख्स बैठा था वो पढ़ा लिखा पुलिस अफसर लगता था, अगरचे वो भी इस दफ्तर में मौजूद बाकी लोगों की तरह बगैर वर्दी के ही था। वो शख्स उठकर मिला था, आइए आइए डॉक्टर साहब, तशरीफ रखें। मेज के दूसरी तरफ रखी कुर्सियों की तरफ इशारा करते हुए कहा था और हाथ मिलाया था। मैं शुक्रिया कहकर बैठ गया था। पहले तो उसने गोल्ड ही फीडबिया से मुझे सिगरेट पेश की थी, फिर घंटी बजाकर चपरासी को चाय लाने के लिए कहा था और फिर मुझसे गोया हुआ था, डॉक्टर साहब हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ काम करें, हम आपको मोटरसाइकिल देंगे, 500 रुपये माहवार आपकी खिदमत में पेश करते रहेंगे। मैं समझ तो गया कि वह दरअसल क्या कह रहा है, लेकिन फिर भी पूछा, मगर जनाब मुझे करना क्या होगा जो आपकी इन नवाजशात का मुतबादिल हो? कुछ नहीं करना होगा, बस निश्तर मेडिकल कॉलेज में जो कुछ होता है वो हमें बता दिया करें और बस। मोहतरम, निश्तर में कुछ भी छुपा हुआ नहीं है,
हर चीज़ सबों के सामने होती है, और अगर कोई कार्रवाई या सरगर्मी करना मकसूद हो तो उसका नोटिस कबल अज वक्त नोटिस बोर्ड पर चश्मा होता है। मैंने जवाब दिया था। वो मुस्कुराते हुए बोला था, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो हुकूमत की नज़रों से पुशीदा रह ही जाता है। डॉक्टर साहब, आप इस सिलसिले में हमारी मदद करें और हम आपकी मदद करेंगे। मुझे गुस्सा तो बहुत आया था कि ये मोटा बशीर क्या सोचता है कि मैं पुलिस का टाउट बनूंगा, लेकिन मैंने मसलहतन कह दिया था मैं आपको सोचकर बताऊंगा। और वो बुशर्ट पहने हुए लम्बरेटा वाला शख्स मुझे निश्तर के नज़दीक छोड़ गया था। बशीर कहीं गायब हो गया था। दो चार रोज़ बाद बशीर शायद मेरा इंदिया लेने के लिए आया, तो मैंने उसके वो लते लिए थे कि याद ही रखे होंगे। वो अपना समूह लेकर जाते हुए बोल रहा था, भाई जान मैं तो आपका भला करना चाह रहा था। मैंने उसे कहा था कि दफ़ा हो जाओ, आइंदा मुझे शक्ल न दिखाना और ऐसा भला अपने पास ही रखो जो दूसरों को नुकसान करके होता हो। मैंने उस रात भी यही किया था कि मुझसे किसी को नुकसान तो खुदा नखास्ता बिल्कुल ही ना पहुँचे, लेकिन भला चाहे मुखालफों का हो मुझे करना चाहिए। जब मैं उस TSP नुमा शख्स की चिकनी चपड़ी सुन रहा था तो मेरे कान बाहर भी लगे हुए थे, और मेरे कान में पड़ गया था कि आज मियाँ एहसान बारी के कमरे पर छापा मारकर उस पर पिस्तौल डाला जाएगा। मैं लिबरेटर से उतर सीधा एहसान बारी के पास ही गया था। अगरचे वो जमीयत का था और मैं उनके मुखालिफ धड़ से था, मगर था तो वो तालिबिलम ही। मैंने जाकर उसे मुतनबे किया था कि आज रात वो कमरे में ना रहे, बल्कि अगर निश्चर के हदूद से ही दूर चला जाए तो ज़्यादा बेहतर है। और उस रात वही हुआ था जो मैं सुनकर आया था, लेकिन मियाँ एहसान बारी जो कॉलेज का जनरल सेक्रेटरी था साफ बच निकला था। बशीर मोटे की वजह से कम अज़ कम ये तो एक फ़ायदा हुआ ही था। पुलिस को मुखबर की ज़रूरत इसलिए पेश आती है थी कि निश्तर में फायरिंग से ज़ख्मी किए जाने का वाकया निश्तर की तारीख में पहली बार हुआ था। मैं अपने कमरे में बैठा था कि मैंने शोर सुना और एक दो फायर हुए। मैं तेज़ी से बाहर निकला तो जावेद बातिश जो बारी के हमारा निश्चित कॉलेज की यूनियन का सदर था पिस्तौल हवा में लहरा था, हवाई फायरिंग करता और गालियां देता हुआ भागा आ रहा था। मैंने उसका हाथ हवा में ही पकड़ लिया और कहा, बातिश क्या कर रहे हो, तुम तो समझदार आदमी हो। बातिश शायर आदमी है और आजकल वो एक तवील अरसे से डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स में काम करते हैं, मुख्तलिफ मुल्कों में TB पेशेंट्स देखते हैं। बातिश क्या कर रहे हो, तुम तो समझदार आदमी हो, वो तो रुक गया। इतने में दरवाजे पर एक और फायर की आवाज़ उभरी थी और किसी की कराह सुनाई दी थी। हम बाहर भागे तो फारूकी फाइनल का तालिबे इल्म जख्मी था और सेकंड ईयर का डोगर उसे पिस्तौल की गोली से ज़ख्मी करके भागा था। यूं जमीयत की जानिब से पहली बार गोलियाँ मारने की इब्तदा हुई थी। जिस्म के सहमे बैरूनी असरात जल्द मुंदमिल हो सकते हैं, लेकिन रूह में लगे ज़ख्म नफसियाती आवाज़ की शक्ल में ज़ाहिर होते हैं, जिनका इजहार बाज़ात जिस्मानी अलल की सूरत में होता है। चंद बाद मुझे बैठे बैठे यूं लगता था जैसे दिल उछल कर हलक तक आ रहा है। धड़कन बहुत तेज़ हो जाती थी, जिस्म के पट्टे अकड़ जाते थे, मौत बहुत ही नज़दीक दिखाई देती थी। ये इलतें बैठे बैठे शुरू हो जाती थी। मौत का खौफ शायद मौत से ज़्यादा तकलीफ़ होता हो, तब तो कम अज़ कम मुझे यूँ ही लगता था। पहल तो मैंने अपने तौर पर मुसक्कन लेकर इस अज़िये से निजात की कोशिश की थी, लेकिन अफाका था कि होता ही नहीं था। बाज़ औक़ात तो ये इतना ज़्यादा परेशान कुन मरला होता था कि रोना आ जाया करता था। ऐसा ही एक रोज़ एक मौका था, मेरी आंखों में आंसू आए हुए थे और मियाँ एहसान बारी कमरे में दाखिल हुआ। उसने मुझे रोते देखा तो वजह दरियाफ्त की। मैंने उसे कहा कि तुम लीडर बने फिरते हो, मैं मर रहा हूँ और कोई पुरसान हाल नहीं है। वो मुझे उसी वक्त स्कूटर पर बिठाकर प्रोफेसर हयाज अफर के पास ले गया था। उन्होंने कोई टेस्ट लिखी और दो रोज़ के बाद आने का कहा। मैं दो रोज़ बाद उनकी कोठे पर गया। वो ज़ाहिर है फीस अदा करने वाले मरीज देख रहे थे। मैं तो मुफ्त दिखाने वाला तालिब इल्म था, कोई घास ही नहीं डाली जा रही थी। बिलाखिर मैं ज़ोर ज़ोर से बोलने लगा था, जिस पर उन्होंने मुझे अंदर बुला लिया था। ठक ठक करके स्टेथोस्कोप से जल्दी जल्दी सीने का मुआयना किया और बाई वेंटिकुलर हाइपरट्रॉफी तशखीस कर दी, यानी दिल के दोनों जौफ बढ़ चुके हैं, और मुझे दिल के अमराज के लिए इस्तेमाल होने वाली दवाइयाँ तजवीज़ कर दी थी। मैं जब कमरे में आया तो मैंने फाइनल ईयर के किसी लड़के के बारे में पढ़ा था। मैंने फाइनल ईयर के किसी लड़के से किताब लेके इस मर्ज के बारे में पढ़ा था। बस दिल धक से रह गया था। किताब के मुताबिक मेरे दिन गिने जा चुके थे। ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल मजीद ज़िंदा रह पाऊँगा और फिर तकलीफ दे मौत। अद्वियात इस्तेमाल करना शुरू कर दी थी, उनमें एक दवाई डिजिटलिस थी।
अगर दिल की मर्ज़ के बगैर वो खानी शुरू कर दी जाए तो आँखों के आगे तिरमिरे नाचने लगते हैं, इन्हें दवाई के जहरीले असरात होना शुरू हो जाते हैं। चंद रोज़ बाद मेरी आँखों के आगे रंग बिरंगे तिरमिरे नाचने लगे थे। इस बारे में मैं वैसे भी गुज़श्ता बरस इल्मे रज़ियात में पढ़ चुका था। मैंने दवाई छोड़ दी। हयात ज़फ़र जैसे बदमिजाज प्रोफेसर की तरदीद करना आप बैर मुझे मार के मुतरब था। वैसे भी वो मुझसे चिड़े से रहा करते थे क्योंकि मैं उनकी क्लास में तशखीस करने में जल्दी किया करता था। और एक बार उन्होंने तनक कर कह ही दिया था, यू आर वेरी फास्ट इन डायग्नोसिस। और मैंने जवाब में कह दिया था कि जहानत की बात है जी, ज़ाहिर है उन्हें बुरा लगा होगा। इसलिए मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर नूर अहमद साहब से रजू किया। वो बहुत ही शरूफ़ नफ़्स और देहाती वज़ाकत के इंसान थे। एक साल पहले यूँ हुआ था कि फैसलाबाद से मेरे दोस्त शेख असलम का कोई रिश्तेदार उनका नाम सुनकर अपनी बीवी को दिखाने लाया था। असलम की वजह से वो पहले मेरे पास आया था। मैं उन दोनों को लेकर नूर साहब के पास किया था। जब उन्होंने खातून का मुआयना कर लिया तो मुझे ख्याल आया कि मैं भी मुआयना करा लूँ। मैंने उन्हें बताया कि मुझे फलाँ शिकायत हैं। उन्होंने मुझे कोच पर लेटने के लिए कहा था। जब वो कुर्सी से उठकर मुआयने के लिए आए तो मुझे पेट पर से कपड़ा हटाने की हिदायत की। मैं ये भूल गया था कि मैंने शलवार के नेफे के साथ गरारी वाला चाकू उड़सा हुआ है। मैंने जो ही पेट से कमीज हटाई तो बेचारे नूर साहब घबरा कर दो कदम पीछे हट गए थे। कहा था, ये खंजर क्यों रखा हुआ है? मैं शर्म से पानी पानी हो गया था। बाहर निकलकर फैसलाबाद से आए हुए पहलवान नुमा शख्स ने मुझसे तंजन कहा था, डॉक्टर साहब चाकू चलाने के लिए बाजुओं की भी ज़रूरत होती है। इस उम्र में तो सभी खुद को शहजोर समझते हैं। मैं उसकी बात का भला क्या जवाब।